हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने हिंदी मीडियम की जो भूगोल की क्लास है, इसके अंदर 12वीं क्लास में अध्याय 16 जो है वो स्टार्ट कर लिया, जैविक एवं अजैविक संसाधन। तो इसमें लास्ट अपने जो कर रहे थे वो वन संसाधन कर रहे थे, वन संसाधन लास्ट इसका टॉपिक जो था अपना छोटा था, वो छोटा था वन संसाधन पर। तो वन संसाधन के बारे में अपने यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो वन संसाधन के बारे में अपनी बातें हो चुकी थी भी वन जो है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य जीवन जो है वो इस वनों से बहुत ही लाभान्वित रहा है, आदिकाल से लेके यदि आदिम जीवन से लेके आज तक वर्तमान युग तक देखा जाए तो वन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मानव जीवन के अंदर। तो ये अपने देखिए पेड़ पौधे जो हैं, मनुष्य को पर्यावरण जो है साफ स्वच्छ पर्यावरण देते हैं, प्राकृतिक चीजें जो है वो उपहार के रूप में भेंट करते हैं। तो ये अपने बताया था इसके बारे में। तो अपने देखिए 1952 के अंदर एक नीति घोषित की गई, उस 1952 की जो नीति थी, उस 1952 की नीति के बाद ये बताया पारित किया गया भी जो देश है उस देश का जितना कुल अपने क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो वन 33% भाग पर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वन जो है वो कम है। 2015 में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार अगर भारत में देखा जाए तो 21.34% वन मिलते हैं, जो काफी कम है 33% से, बल्कि होने कितने चाहिए थे 33% होने चाहिए थे देश के कुल क्षेत्रफल के। तो वनों का महत्व जो है ये जो है इस महत्व के कारण वनों का भाग होना चाहिए। तो अब अपने वनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहला तो अपने बात करेंगे आगे वन संसाधन में, वो करेंगे वन विनाश के कारण, वन विनाश के कारण, वन विनाश के कारण वन विनाश जो है हो रहा है, इस वन विनाश होने के पीछे क्या कारण है, क्यों हो रहा है। तो देखिए भारत में जो घटते वन क्षेत्र हैं, इस घटते वन क्षेत्र के पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें पहला आता है कृषि हेतु, कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। अब देखिए कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि क्यों, क्योंकि जनसंख्या जो है वो देश की बढ़ रही है। अब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उस जनसंख्या को खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। अब खाद्यान्न की पूर्ति के लिए होती है भूमि की आवश्यकता, और भूमि जो है वो कम है तो उस भूमि को पूरी करने के लिए लोग क्या करेंगे, जंगलों को काट देते हैं। और जंगलों को जब काटते हैं अन्न उत्पादन करने के लिए, तो उससे जो पेड़ पौधे हैं वन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और इससे वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, और कटाई होने की वजह से वन कम हो जाते हैं। तो कृषि के लिए जो भूमि की मांग होती है अन्न उत्पादन करने के लिए, तो उसकी वजह से भी वन कटते हैं और वनों का जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। तो कृषि उत्पादन की मांग जो है वो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उस जनसंख्या के लिए भरण पोषण की समस्या आती है सामने, तो उस भरण पोषण की समस्या को दूर करने के लिए होनी चाहिए भूमि, और भूमि कैसे प्राप्त करते हैं लोग, वनों को काटकर अंधाधुंध कटाई करके, और उस अंधाधुंध कटाई की वजह से पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। सेकंड जो आता है वो आता है तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। अब तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण की बात है तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में देश में जो तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ
और शहरीकरण जो हुआ, तीव्र गति से जो औद्योगिकरण और शहरीकरण जो हुआ, उस औद्योगिकरण और शहरीकरण ने वनों का जो क्षेत्र था उस वनों के क्षेत्र को प्रभावित किया। मतलब यह है भी उद्योगों को लगाने के लिए वनों को काटा गया, इसके अलावा इमारतें वगैरह बनाने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए, मनोरंजन क्षेत्र स्थापित करने के लिए, शहरी व्यवस्था बनाने के लिए, शहरों का निर्माण करने के लिए वनों का अंधाधुंध कटाव किया गया। अब वो अंधाधुंध जो कटाव किया गया, उस कटाव के परिणाम स्वरूप तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से वनों का जो क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है, और तीव्र औद्योगिकरण जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है, और जो शहरीकरण है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। तीसरा इसमें आता है घरेलू आवश्यकताओं के लिए, घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई। अब घरेलू आवश्यकता क्या होनी चाहिए, मतलब यह है भी घरेलू आवश्यकता भी, जैसे घर में फर्नीचर वगैरह बनाना है, घर में ईंधन जगाना है, जलाना है, उसके लिए रेल के डिब्बे वगैरह बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए आदि जो चीजें हैं, इन चीजों के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, और उस वो फर्नीचर जो है वो बनता है लकड़ी से। अब उस लकड़ी का उपयोग करते हैं घरेलू आवश्यकताओं में, तो घरेलू आवश्यकताएं जो है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वन क्षेत्र कम हो जाता है। और अब ईंधन वगैरह जो है, फर्नीचर वगैरह जो है, इमारतों के लिए, भवन निर्माण के लिए, इनको जब काटा जाएगा तो इनकी संख्या, वनों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, वन क्षेत्र कम हो जाएगा। तो ये भी अपने घरेलू आवश्यकताएं जो है ये भी वनों की कटाई के लिए उत्तरदायी है, वनों के क्षेत्र को कम करने में उत्तरदायी है। तीसरा चौथा आता है अनियंत्रित कटाई, अनियंत्रित कटाई। अब अनियंत्रित कटाई में क्या होगा भी, जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति, अब प्राकृतिक हरा चारा जो है इसकी कमी पाई जाती है। अब प्राकृतिक हरे चारे की जब कमी है तो पशु क्या करते हैं, जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की जो टहनियां वगैरह जो हैं उन टहनियों को खा जाते हैं, टहनियों को खा जाते हैं। और पशु जो कुछ जो पशुपालक है वो पशुपालक पेड़ की जो टहनियां हैं इन टहनियों को काटकर पशुओं को डालते हैं, पशु उनको खाते हैं। तो कई बार क्या होता है, अपने जो जंगल का जो क्षेत्र है उस जंगल के क्षेत्र में कुछ नए पौधे उगते हैं छोटे, तो वो नए पौधे जब उगते हैं तो वो जब चराई करने के लिए पशु वहां जाते हैं, तो जब वो चराई करते होते हैं तो उनके जो पैर होते हैं पशुओं के, जो खुर होते हैं, उन खुरों से वो छोटे पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो नया पेड़ तो गया, और जो पेड़ था उस पेड़ को तो पहले ही इन्होंने काट के खिला दिया। तो इस प्रकार से भी क्या है, अनियंत्रित जो कटाई हो रही है, लगातार जो कटाई हो रही है, बेरोक टोक जो चराई है, कटाई है, ये हो रही है, इस बेरोक टोक कटाई और चराई से भी वन क्षेत्र जो है वो लगातार घट रहा है। तो ये चार हो गए हैं। पांचवा पॉइंट आता है इसमें स्थानांतरित कृषि प्रणाली, स्थानांतरित कृषि प्रणाली। स्थानांतरित कृषि प्रणाली की बात कर रहे हैं तो देखिए, भारत में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो झूमिंग कृषि करती हैं या स्थानांतरित कृषि जो है ये करती हैं। तो अब ये झूमिंग जो कृषि होती है, इस झूमिंग कृषि में वो लोग क्या करते हैं, 2-3 साल के लिए जंगलों को काटकर या जंगली जंगलों का काटकर झाड़ियां वगैरह जो है उनको काटकर उस पार्ट को जलाकर उनको साफ कर लेते हैं, साफ करके 2-3 साल तक तो उस पार्ट पे खेती करते हैं। उसके बाद में जब वो अनुपजाऊ भूमि हो जाती है तो उसको छोड़कर नए पार्ट में चले जाते हैं।
और नए पार्ट में जब जाते हैं तो उस नए पार्ट में जाकर वो वही भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं, जंगलों को काटना, साफ करना और भूमि को वापस तैयार करना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे वाला भाग तो वैसे ही बंजर हो गया है, तो वहां पेड़ पौधे तो उग नहीं पाते हैं। तो ये जो स्थानांतरित कृषि है, इस स्थानांतरित कृषि प्रणाली के दौरान जंगलों को काटा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये स्थानांतरित कृषि प्रणाली भी अपने प्रभावित करती है वनों की जो मात्रा है या जो क्षेत्र है इसको। भारत के अंदर जो नागा जनजाति है वो झूमिंग कृषि करती है, जिसे दहिया कहा जाता है, वो दहिया कृषि जो है वो इनके द्वारा की जाती है, वो झूमिंग कृषि का ही एक पार्ट होता है। तो ये भी अपने तीव्र गति से वन विनाश का एक कारण बना हुआ है। अन्य कारणों में बात करें इसकी भी, अन्य कारण भी इसके क्या होते हैं, जैसे बड़ी और बहुउद्देश्य परियोजना वगैरह जो है उनका निर्माण करना, सरकारी नियमों की अवहेलना करके जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हो रही है, उस जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ों के अंदर कीड़े या बीमारियां लग जाना, द्वाग्नि बोलते हैं जिसे वो लग जानी, जंगलों में आग लग जाना वगैरह जो है, ये इसकी कुछ कंडीशनें हैं जिनसे भी अपने वन क्षेत्र जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। अब ये तो वन क्षेत्र की बात हो गई, अब वन विनाश के कारण हो चुके हैं, इसके बाद में अब करेंगे वन के वितरण, वनों का वितरण जो है उसके बारे में, वन संसाधन का आगे करेंगे इसका वितरण। वितरण तो भारत देखिए एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, तो भारत में विशालता जो है पाई जाती है। इस विशालता के कारण यहाँ पे जो जलवायु है, उच्चावच है या मिट्टी जो है उस मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। तो इस मिट्टी की भिन्नता, उच्चावच, जलवायु की भिन्नता जो है, इन सब के कारण जो है अपने भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो वन आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन तो उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो अब उष्णकटिबंधीय वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये सदा बहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नाम से ही पता चल रहा है सदा जहां पे बहार रहे वो है सदाबहार। तो मतलब सदाबहार रहेंगे, ये आबाद रहेंगे तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ जाते हैं। देखिए यहां क्या होता है, यहां पर 200 सेमी से अधिक, 200 सेमी या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। टेम्परेचर जो है यहां पर रहता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान, वार्षिक तापमान रहता है। ये जो है हमेशा हरे भरे रहने वाले वन होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत कम नीचे आता है, क्योंकि यहाँ जो सदाबहार वन है इनकी जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों के साथ में कुछ बेले वगैरह, लताएं वगैरह जो होती हैं वो ऊपर तक चढ़ जाती हैं और एक छात का सा काम करती हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत ही मुश्किल से जमीन तक पहुंचता है। अब भारत की बात कर रहे हैं तो इसके भारत में तीन क्षेत्र मिलते हैं, एक तो मिलता है उत्तरी पूर्वी भारत का हिमालयी तराई प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी घाट जो है, उस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल तट जो है वहां पर मिलते हैं, तीसरा जो मिलता है वो मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, उन द्वीप समूहों पर मिलते हैं। यहां पर देखिए पर्याप्त वर्षा, उच्च ताप और लंबे और शीघ्र बढ़ने वाले जो पेड़ पौधे जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो काफी कठोर होती है, इनकी जो सामान्यतः लंबाई पाई जाती है यहां पर वो 40 से लेके 60 मीटर तक पाई जाती है, 40 से 60 मीटर तक इनकी सामान्य लंबाई पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों की। तो देखिए यहां पर जो ये वन है इन वनों का विदोहन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है,
क्योंकि विदोहन नहीं हो सकता है, काफी गहरे होते हैं, नीचे तक प्रकाश नहीं जाता है, पेड़ पत्ते पत्ते वगैरह जो होते हैं वो वहीं पर पड़े रहते हैं, तो उस पत्ते वगैरह के वहां पर पड़े रहने की वजह से जो है अपने जो टेम्परेचर है वो इस टाइप का मिलता है। अब यहाँ पे आगे बात जो आती है वो ये आती है भी मुख्य वृक्ष जो है इसके कौन कौन से होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, तो मुझसे मुख्य वृक्ष जो है वो जैसे लोहा कास्ट है, महागनी है, गट्टापोर्च है, तून है, नारियल है, रबड़ है, सिंकोना है, बांस है, आदि ये इसके मुख्य वृक्ष होते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है अपने वो आता है मानसूनी या पतझड़ वन। सेकंड जो आता है वो आता है मानसूनी या पतझड़ वन। मानसूनी या पतझड़ वन, तो मानसूनी और पतझड़ वन की बात हो रही है यहां। तो मानसूनी और पतझड़ का मतलब पतझड़ से भी पत्ता पत्ते जो है इसके झड़ जाएंगे, भी एक मौसम विशेष ऐसा आएगा उस मौसम विशेष के दौरान इसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ जाएंगे। तो जब पत्ते सारे झड़ जाएंगे तो वो पतझड़ के मौसम में आ जाएगा, पतझड़ के वनों में आ जाएगा, मानसूनी वनों में आ जाएगा। यहां पे वर्षा जो होती है औसत वार्षिक वर्षा जो होती है उसकी बात करें मानसूनी या पतझड़ वन में, औसत वार्षिक वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेमी, औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेमी रहती है। कहां रहती है? मानसूनी या पतझड़ वन में। औसत वार्षिक तापमान जो है इसका पाया जाता है वो 26 डिग्री सेल्सियस से औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है, या ये वार्षिक तापमान वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बीच में ये पेड़ पाए जाते हैं। ये देखिए वृक्ष जो वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु जब प्रारंभ होती है तो उस ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पहले अपनी पत्तियां वगैरह जो है वो झाड़ लेते हैं। अब ये पत्तियां जब झाड़ लेते हैं तो इन पत्तियों के झड़ जाने के कारण, यानी इनकी जो पत्तियां झड़ जाती हैं, इन पत्तियों के झड़ जाने के कारण इन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है। सामान्यतः इनकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई की बात करें, इनकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी होती है, तो वो ऊंचाई जो है वो 20 से 45 मीटर के बीच होती है, यानी 20 से लेके ये 45 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। वृक्षों की सघनता इनमें कम होती है, इसलिए इनके बीच में घास वगैरह उग जाती है। ये जो वन क्षेत्र है, इन वन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास भी काफी हो गया है, क्योंकि ये सघन नहीं पाए जाते हैं, और सघन जब नहीं है तो सघन नहीं पाए जाने के कारण जो है अपने इसका विकास हो चुका है, सघन नहीं पाए जाने के कारण विकास इसका हो चुका है और यातायात के साधनों का। इनकी जो लकड़ी है वो अधिक कठोर नहीं होती है, और इन वनों का जो विदोहन है वो आसानी से कर लिया जा सकता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि यातायात के जो साधन वगैरह जो है वो हो गए हैं, इनकी गहराई इतनी नहीं होती है, अत्यधिक गहरे नहीं होते हैं, इसलिए। अब ये मानसूनी जो वन है ये किन क्षेत्रों में मिलते हैं? जो हिमालय का बाहरी क्षेत्र है वहां, मध्य भारत जो है अपने एरिया उसके अंदर मिलता है, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है उन पे मिलता है, पूर्वी घाट का जो दक्षिणी भाग है उन भागों में ये मिलते हैं। मुख्य जो वृक्ष है इसके वो सागवान है, साल, शीशम, चंदन, रोजवुड वगैरह जो है, हरड़, बेहड़ा, आंवला आदि जो है इसके मुख्य वृक्ष है। इसके बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय वन। इसके बाद आएंगे उष्णकटिबंधीय वन, तीन नंबर उष्णकटिबंधीय वन।
उष्ण कटिबंधीय वन। अब उष्ण कटिबंधीय वनों की बात हो रही है, तो उष्ण कटिबंधीय वन जो है यहां पर जो वार्षिक औसत वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा कह लीजिए, औसत वार्षिक वर्षा जो है वो होती है 50 से 100 सेमी के बीच। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 100 सेमी के बीच होती है। वार्षिक औसत तापमान जो रहता है वो रहता है, औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक यहां औसत वार्षिक तापमान रहता है। ये जो वन है वो दो प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक तो उत्तरी पश्चिमी भारत जो है उस उत्तरी पश्चिमी भारत में मिलते हैं, जिसमें पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब आ जाता है, हरियाणा है, अरावली पर्वतीय भाग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा इसका जो भाग आता है वो आते हैं प्रायद्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क प्रदेश जो है वो इसमें शामिल होते हैं। इन पेड़ों की जो ऊंचाई पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों की वो 6 से लेके 9 मीटर के बीच पाई जाती है, 6 से 9 मीटर के बीच इनकी जो है ऊंचाई पाई जाती है। अब ये 6 से 9 मीटर के बीच ऊंचाई पाई जाती है तो इनके मुख्य वृक्ष जो है वो बबूल, खेजड़ा, आम, आंवला, रीठा, किक्कर आदि जो है इनके पेड़ होते हैं। इसके बाद अगला जो आता है अपने मरुस्थलीय वन आता है, मरुस्थलीय वन आता है अगला 4 नंबर पर, मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन जो है वो 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, 50 सेमी से कम वर्षा, मरुस्थलीय वन में 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। टेम्परेचर जो है वही 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर जो है वो पाया जाता है। इस प्रकार के वन हैं जो दक्षिण पश्चिमी पंजाब है, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जो है इनके अंदर मिलते हैं, जहां कम वर्षा वाले जो भाग हैं इन राज्यों के उनके अंदर ये पेड़ मिलते हैं। इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी व मोटी होती हैं, जो गहराई तक जाती हैं और गहराई से में जाकर ये गहराई से पानी जो है वो प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। इनके तने काफी मोटे होते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में होती हैं, कांटेदार जो पत्तियां वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं। इनका तना जो है वो अत्यधिक खुरदरा जो है पाया जाता है, और यहाँ पे कांटे इसलिए पाए जाते हैं इन पेड़ों के अंदर ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो सके। तो उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कम होने के लिए जो है अपने कम पाया जाता है, और कम पाए जाने की वजह से अपने ये मिलते हैं। इसके अंदर जैसे नागफनी है, कैर है, खेर है, खेजड़ा है आदि जो पेड़ आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो अपने खेर के खेजड़ा, बबूल, बेर वगैरह जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसके बाद अपने अगला जो वन आता है वो आता है पर्वतीय वन। अगला जो आता है वो आता है पर्वतीय वन या शीतोष्ण सदाबहार वन। पर्वतीय वन या शीतोष्ण सदाबहार सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो इसमें आते हैं, पर्वतीय वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। अब पर्वतीय वन या शीतोष्ण सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब पर्वतीय जो वन है ये वन जो पर्वतीय भाग होते हैं उन पर्वतीय भागों में मिलते हैं। ये जैसे अपने पूर्वी पश्चिमी जो हिमालय प्रदेश जो है उसके अंदर मिलता है, असम की जो पहाड़ियां हैं उनमें ये मिलता है, मध्य प्रदेश की जैसे पचमढ़ी है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र की जैसे महाबलेश्वर जो श्रेणी है वो आ जाती है, इन श्रेणियों के अंदर ये पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो घनी होती हैं, तना जो है वो मोटा होता है,
और इनसे लताएं जो हैं वो लिपटी हुई रहती हैं, जैसे झाड़ियां वगैरह जो हैं, पत्तों जो पेड़ों के तने हैं उन तनों से लताएं वगैरह जो हैं वो लिपटी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। इन वृक्षों की जो ऊंचाई पाई जाती है शीतोष्ण सदाबहार वन जो है इनकी, वो 15 से लेके 18 मीटर के बीच में इनकी ऊंचाई पाई जाती है। इनके मुख्य वृक्ष जो हैं वो चीन, चीड़, सोनावर वगैरह जो हैं वो इनके मुख्य वृक्ष वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। चीड़ है, सोन है, फर है, स्प्रूस है, लार्च है, आदि इसके वृक्ष आ जाते हैं। इसके बाद अपने छठा जो आता है वो आता है ज्वारीय वन, ज्वारीय या दलदली वन, ज्वारीय या दलदली वन। ये जो वन है ये नदी मुहानों पर पाए जाते हैं, यानी ये मुख्यतः जो डेल्टा वगैरह नदियां बनाती हैं उन डेल्टा ही भागों में पाई जाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, हुगली नदियां वगैरह जो, हुगली नदी का जो डेल्टा है उन डेल्टा में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियां जो है इनके जो डेल्टा है उन डेल्टाओं में ये पाए जाते हैं। समुद्र तट पर ज्वार आने के कारण या ज्वार भट्टा आने के कारण ये जो पेड़ हैं इन पेड़ों की जड़ें जो हैं वो खारे पानी में डूबी रहती हैं और जड़ों से शाखाएं निकलकर जो है वो चारों तरफ फैल जाती है इन ज्वारीय वनों के अंदर, और वृक्ष जो है वो ऊंचे तथा हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी काफी मुलायम रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि इनको पानी जो है वो काफी मात्रा में प्राप्त होता रहता है, जिस वजह से इनकी लकड़ी मुलायम होती है। इसके अंदर अपने मुख्य जो वृक्ष आते हैं वो वृक्ष आते हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाने वाला सुंदरी वृक्ष है वो इसमें आता है, हुगली नदी के डेल्टा में पाए जाने वाले जो मैग्रोव जो वृक्ष हैं वो वृक्ष इसमें आते हैं, अन्य वृक्ष जैसे बांस है, ताज है, बेंत है, ताड़ है, आदि जो इसके पेड़ हैं वो इसमें आते हैं। अब ये तो वृक्षों की बात हो गई, तो भारतीय जो वन है वो वन महत्वपूर्ण उपजे भी प्राप्त होती हैं इन वनों से, भारतीय वनों से, और इनमें जो उपजे हैं वो कुछ, इनमें कुछ उपजे जो हैं वो विदेशों से भी प्राप्त नहीं होने से उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। मतलब यहाँ जैसे चंदन की लकड़ी मिलती है अपने को वन में, और बीड़ी पत्ता मिलता है, साखू वगैरह जो है वो मिलते हैं, तो इस प्रकार से ये वनों से अपने को उपजे प्राप्त होती हैं भारतीय वनों से। तो भारतीय वनों से दो प्रकार की अपने को उपजे प्राप्त होती हैं भारतीय जो वन है इनसे, भारतीय वनों से दो प्रकार की उपजे प्राप्त होती हैं। एक तो है मुख्य उपजे और दूसरी आती है गौण उपजे, मुख्य उपजे और गौण उपजे, ये दो उपजे अपने को प्राप्त होती हैं भारतीय वनों से, मुख्य उपज हुई, गौण उपज हुई। मुख्य उपज में देखिए जो वनों से प्राप्त मुख्य उपजों में जो लकड़ियां अपने को प्राप्त होती हैं वो मुख्य उपज में आती है, जैसे देवदार है, चीड़ है, मेपिल है, सरोवर है, साल, सागवान, खेर, बबूल आदि जो है महत्वपूर्ण जो है लकड़ियां जो है इनकी महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण लकड़ियां जो अपने को प्राप्त होती है वो इसकी मुख्य उपजों में आती है। गौण उपजों में अनेक प्रकार की जैसे अपने को उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे लाख है, कत्था है, गोंद, महुआ, तुंग, बेर, जड़ी बूटियां वगैरह जो हैं, तारपीन का तेल है, विरोधा है, प्राकृतिक तेल वगैरह जो है ये अपने को काफी यहाँ से जैसे प्राकृतिक रेशे वगैरह जो हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं, तो वो गौण उपजों में आते हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय वनों की दो प्रमुख उपजें आती हैं। इसके बाद अपना जो है वन संसाधन का महत्व है वो रहता है, वो अपने अगले वीडियो में करेंगे, बाकी जो इसका पार्ट रहता है आज के लिए इतना ही, और इसको आप थोड़ा सा बुक से भी स्टडी कर लेना साथ के साथ, थोड़ा आसान है वैसे, आपने इसको जो वनों के बारे में ये पढ़ाया गया है इसको 11th क्लास में चैप्टर आता है उसके अंदर भी पढ़ा होगा 12th वाले बच्चे जो है उन्होंने, तो इसमें वनों को और इनकी जो है रीडिंग बुक के अंदर साथ के साथ लेते रहना और अच्छे तरीके से इसकी स्टडी कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।